ऑल राइट गाइस, मैं हूं सीवू। गेम पोर्टल 3.0 की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम खेल रहे हैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स मोड इन GTA 5। तो पिछले बार हुआ ये था कि हम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में फंस गए थे। माइकल अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है और अभी उसको कुछ कुछ हथियार पिछले बार मिल गए थे, पर लेकिन मैं ऊपर से गिरने के कारण मैं थोड़ा सा चोटिल हो गया था और मेरे पास जो भी चीज़ थे वो सब गुम गए। तो अभी मुझे फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी मेरे पास एक हथियार तो है, कम से कम क्रोबार है। तो अभी हम नीचे उतरते हैं, नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिख रहे हैं। ये नीचे उतरने का जगह है मेरे ख्याल से। तो अब हमें एक जगह जाना पड़ेगा जो कि है बीच। बीच में मुझे गन मिलेगी, गन मुझे लेनी ही पड़ेगी। और आसपास स्टोर है, स्टोर से मैं सामान ले सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, अपन पहले नीचे उतर जाते हैं और तैयार रहना पड़ेगा भाई, कोई फास्ट ज़ॉम्बी ना मिल जाए। धीरे से निकलना पड़ेगा। कुछ रिसोर्सेज भी मुझे इकट्ठा करने पड़ेंगे ताकि मुझे जो भी ज़रूरत का सामान है वो बना सकूं मैं। तो कोई बस रनर मत मिल जाए मुझे, बाकी इनको एक एक करके निपटाते हैं। तो आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आराम से एक एक करके सबको निपटाता हूँ मैं। तो भाई साहब, ये लो एक हाथ इसका, ये लो भाई। ये आसानी से मरता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। देखिए, उड़ गया ये, अचानक ही उड़ गया, यही मैं नहीं चाहता। तो खूब सारे ज़ॉम्बी आना चालू हो गए हैं, तो मुझे एक एक करके इनसे निपटना पड़ेगा। एक साथ नहीं निपट सकता मैं इनसे। और उसके बाद मेरे को जल्दी से एक अच्छी गाड़ी ढूंढ के फिर बीच की तरफ भी जाना पड़ेगा। बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं। ओह माय गॉड, मैंने गलती कर दी, यही मैं नहीं चाहता था भाई। एक साथ इनसे कैसे निपटा जाए, भागना पड़ेगा भाई। रिसोर्सेस अगर मुझे चाहिए तो मैं केवल इन्हीं से मिल सकते हैं रिसोर्सेस। तो यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है। अभी मुझे लोकेशन सेट करनी पड़ेगी पहले बीच में जाने के लिए। यहाँ थोड़ा सा रुक लेता हूँ मैं, आई थिंक ज़ॉम्बी नहीं आने चाहिए। एक बार मैं लोकेशन सेट कर देता हूँ। मैं हूँ यहाँ पर और मुझे जाना है यहाँ, तो मुझे सेट करना पड़ेगा लोकेशन जो कि यहाँ पर है। तो मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए चाहिए होगी कार, और कार वहाँ आसपास है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई देखना पड़ेगा कि कार चलती भी है कि नहीं। उसके बाद फिर हम वहाँ चलेंगे। और भाई, आपको अगर ये ज़ॉम्बी सर्वाइवर सीरीज़ अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि और वीडियो मैं इसमें बनाऊँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता रहेगा कि आपको कितनी ये सीरीज़ पसंद आ रही है। और सजेशन मुझे आप दे सकते हैं कमेंट में कि क्या क्या आपको अच्छा लगता है और क्या क्या मुझे करना चाहिए या क्या क्या सुधारना चाहिए। पिछले बार वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं आ रही थी, इस बार मैंने थोड़ा सा इस पर वर्कआउट किया है। होपफुली कि इस बार वर्कआउट कर जाए। तो अभी तो कोई भी गाड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही है और मुझे जाना है बीच की तरफ। तो देखते हैं पार्किंग लॉट में शायद मुझे कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए, वरना तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। मुझे ज़ॉम्बियों को मारना पड़ेगा एक एक करके ताकि भाई मुझे रिसोर्सेस मिल सके। तो एक मिनट पहले मैं देख लूँ कि ज़ॉम कितना दूर है जो अपना बीच है, वरना मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। एक मुझे यहाँ दिख रही है। ओह भाई साहब, एक और है। ओह नो, तो एक एक करके मारता हूँ मैं। ये ले भाई, और ये ले भाई साहब, थोड़ी बहन जी, ओले भाई, एक एक करके मारना पड़ेगा। मर जा, कुछ तो लूट दे। ओ माय गॉड, फिर ये आ गई। एक एक करके मर जाओ, मरते क्यों नहीं हो भाई। कोई भी तो मरे जिससे लूट मिले मुझे। इनके हेड पे मारना पड़ेगा। ये देखिए कितना अभी तक मैंने मार चुका है, लेकिन कोई भी भाई साहब मार। ओह हाँ, इतना मारने के बाद एक मरा है अभी तक। और ये भी मर गया शायद। तो अब मैं इनसे लूट ले सकता हूँ। नहीं मरा भाई, मर जा। ई का ऑप्शन तो आ रहा था। ओके, 6 रिसोर्सेस इससे मिले हैं, और इससे अभी देखते हैं अपन को कितना मिलेगा। 3 रिसोर्सेस इससे मिले हैं, ठीक है, काफ़ी है। अभी और भी मुझे दिख रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कि एक एक करके इनको मारता हूँ, बस रनर मत आ जाए मेरे पास में। ये लो, ये बुड्ढी है, इसको आसानी से मर जानी चाहिए, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत टफ होते हैं भाई, इतनी आसानी से नहीं मरते हैं। मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, माइकल को अपनी फैमिली के पास जाना है और सर्वाइव करना है। तुमको तो मरना ही पड़ेगा। आई थिंक मर गई माइकल, मर गई। 2 रिसोर्स मिले हैं, अब यहाँ से भागना पड़ेगा। भागने में ही भलाई है, वहाँ एक कार दिख रही है, होपफुली कि वो काम करती हो और रनर ना हो आसपास में। बस मुझे इसी बात का टेंशन है। तो धीरे से मैं काम करता हूँ, आता हूँ। रनर की एक खास बात होती है, वो चिल्लाते हुए आते हैं, तो
डर नहीं रहता इसमें। ओ ये जगह अच्छी है, ये जगह अच्छी है, यहाँ कुछ मुझे मिल सकता है। ये पूल साइड है, यहाँ पर कहीं आर्मर रखा हुआ रहता है। ये पानी है, एक अच्छा बेस कैंप बन सकता है अगर हम चाहें तो। देखिए यहाँ से बाहर जाने का इधर रास्ता भी है, पर एक मिनट, यहाँ और कार दिख रही है। ओ भाई साहब, एक ही आया है, एक ही आया है ज़ॉम्बी मरने के लिए, मरने के लिए, मरने के लिए। ओ बच गया भाई, पहले बार मरा नहीं था वो भाई। मुझे क्लोजली देखना पड़ेगा कोई कार काम की है कि नहीं। मर जा भाई, फाइनली मर गया। दो रिसोर्सेस और मिले हैं। ये कि सामने वाली गाड़ी मुझे ठीक लग रही है। नहीं 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 ठीक नहीं है, ठीक। एक काम कैसे किया जाए, मुझे बीच में जाना है। और एक मिनट में देख लेता हूँ कि बीच कितना दूर है। अभी बहुत दूर है बीच, बीच के लिए तो बहुत ज़्यादा दूर है मेरे पास में। गाड़ी होनी चाहिए तब जाके मैं बीच में पहुँच पाऊँगा। तो यहाँ से पहले मैं जो घूम के देख लेना चाहिए कि आसपास कुछ है कि नहीं। तो मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। पर ऐसी एक जगह में मुझे आर्मर मिल सकता है, ये काफ़ी ऊंची जगह है, मैं रिस्क नहीं लूँगा। मुझे किस डायरेक्शन में जाना है? मुझे बीच में जाने के लिए एक सेकंड आराम से जाना पड़ेगा। यहाँ वापस चढ़ जाता हूँ मैं, पर कोई एक गाड़ी ठीक रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता, उसमें से भी धुआं निकल रहा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी रनर मेरे आसपास आए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। रनर से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेरे पास क्रोबार है, ये अच्छी चीज़ है कि इससे आवाज़ नहीं होती और आप आसानी से ज़ॉम्बियों को मार सकते हैं, क्योंकि गन शॉट से आवाज़ होती है और तुरंत ही ज़ॉम्बी जो हैं वो उनको पता चल जाता है कि आसपास कोई है। इसमें बहुत साइलेंट वेपन है तो दिक्कत नहीं होती। भाई मर जा, हाँ मर गई। तो अभी इससे इसको भी ले लेते हैं, लूट लेते हैं और एक बार इन्वेंट्री में देखते हैं कि अपने को क्या क्या मिला है। तो इन्वेंट्री में मैं जाता हूँ, तो अभी हमको क्या क्या मिला है इनको मारने के बाद में। टेंट तो था हमारे पास में, कुछ भी नहीं मिला है भाई। कुछ कुछ रिसोर्सेस तो मिले थे मुझे, तो ये रिसोर्सेस है, इसमें दिखेगा। ये 5 बाइंडिंग्स है, 2 क्लॉथ्स हैं, 4 मैचेस हैं, इतनी सारी चीज़ मिली है मुझे। वेपन पार्ट्स काफ़ी मिल गए हैं, बढ़िया है। वेपन के पार्ट मिल चुके हैं, उससे हम कुछ वेपन्स क्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्राफ्टिंग बेंच चाहिए रहेगी। तो एक काम करते हैं, रात होने से पहले अपन जो लोकेशन है वहाँ पहुँच जाते हैं। कम से कम कुछ गन तो मेरे पास होनी चाहिए, और मैं रिस्क ले रहा हूँ दौड़ने का, क्योंकि कोई भी एक रनर रहा तो मेरी खैर नहीं रहेगी, उससे बचना ही पड़ेगा मुझे। और उससे बचने का केवल एक ही तरीका है, सीढ़ियाँ, जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स नहीं एक्चुअली में लैडर्स है, वो ऊपर तक अगर पहुँचा दें तो ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो लैडर्स नहीं चढ़ सकते, तो मैं बच जाऊंगा। तो स्टेमिना का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ऐसे में दौड़ने से जो स्टेमिना है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, और ऐसे कूदने से वो रीस्टोर भी हो जाता है। तो ऐसे मेरे को जंप करके जाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में है, अभी तक मुझे गाड़ी नहीं मिली है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी रनर मेरे आसपास आए। तो ये एक ज़ॉम्बी दिख रहा है, इसको मारते हैं। लो भाई साहब, अंकल, ये कोई अंकल है जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, उनको मार दिया। और फिर से मैं बोलता हूँ भाई, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी और आपको बहुत अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं इस पर कंटिन्यू सीरीज़ बनाऊँ, वीडियो और लाऊँ, तो आप प्लीज़ लाइक का बटन स्मैश कर देना, ताकि मुझे पता रहे कि भाई आपको ये सीरीज़ कितनी अच्छी लग रही है और आपको और वीडियोज़ इसके चाहिए। और कोई भी सजेशंस हो वो दे सकते हो आप मुझे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, या आपको अगर पता होगी यहाँ यहाँ लोकेशन पे कुछ खास चीज़ें हैं तो वो भी कर सकते हैं। गोलियों की आवाज़ आ रही है मुझे, काम करते हैं भाई साहब, उधर नहीं जाऊंगा मैं। यहाँ एयरपोर्ट में भी काफ़ी सारे चीज़ें मिल जाती है मुझे मालूम है, तो यहाँ से चढ़ते हैं इसमें। एक कार बस मुझे मिल जाती, पार्किंग लॉट अगर कोई मिल जाता तो अच्छा रहता। ओ यहाँ एक आदमी है, ओ नहीं नहीं, नहीं।
चलो ठीक है, छोड़ दिया जाए अभी, ज़्यादा मुझे इसके बारे में भी आइडिया नहीं है। जब मैं आइडिया ले लूँगा तब मैं देखूँगा। तो क्या ये स्टोर मेरे काम का है? नो नो, ये स्टोर काम का नहीं है। मेरा थर्स मीटर भी थोड़ा डाउन होता जा रहा है और वहाँ काफ़ी सारे ज़ॉम्बी दिख रहे हैं, तो मैं वहाँ से नहीं जाना चाहता। ये एक अच्छा, ओह शिट मैन, नहीं 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 नहीं, आंटी आपको मरना पड़ेगा, आंटी को मारना पड़ेगा। अच्छा है क्रोबार मेरे पास में है, और जाओ आंटी, ओह मर। हाँ फाइनली, बहुत हिट के बाद मरते हैं। तो इनसे लूट मिलेगा मेरे को, 3 रिसोर्सेस मिले हैं, एक जॉम्बी और है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, फास्ट फास्ट भागते हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ मैं ऐसे दौड़ते हुए, क्योंकि कहीं भी अगर मेरे को रनर मिल गया तो खैर नहीं होगी। ये एक आदमी दिख रहा है, ये औरत है एक्चुअली में, तो उसे भी मार देता हूँ मैं, कुछ तो देगी ये। कुछ ना कुछ रिसोर्सेस तो इनसे मिल ही जाते हैं। ओके, 3 रिसोर्सेस इससे मिले। कोई तो गाड़ी ठीक हो, कोई तो गाड़ी ठीक हो। क्या वो गाड़ी ठीक है? नहीं नहीं है, नहीं है वो गाड़ी ठीक। मैं एक काम करता हूँ, इस गली से जाता हूँ। गली में से गुजरने का कोई तो रास्ता होगा, कोई खुला रास्ता होना चाहिए। ओके, हम यहाँ निकले हैं यहाँ से, ठीक है, बढ़िया, अभी तक तो सही जा रहा है सब। और हम शॉर्टकट से लेते हुए 20 तक जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सही सलामत बस हम वहाँ पहुँच जाए। देखिए कितना दूर और है, यहाँ भी गाड़ियाँ बहुत सारी दिख रही हैं लेकिन कोई काम की नहीं है गाड़ियाँ। तो अभी हम 20 से कितना दूर हैं अभी मैप देखने पर पता चलेगा। यहाँ से उतरने का मुझे दिख रहा है जगह, रात होने के पहले मुझे एक अच्छी जगह देख लेनी पड़ेगी ताकि भाई प्रॉब्लम मत हो, और कोई व्हीकल मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो अभी हम यहाँ आ चुके हैं, अच्छा हुआ कि अभी तक मुझे कोई फास्ट ज़ॉम्बी नहीं मिला। ओह माय गॉड, पानी है यहाँ पर, दिक्कत वाली बात, लेकिन कोई बात नहीं, पुल है यहाँ। काश एक गाड़ी तो ठीक रहती है, रिपेयर किट होना चाहिए मेरे पास, व्हीकल रिपेयर किट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ओ भाई साहब, भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, गलती कर दिया, गलती कर दिया, गलती कर दिया भाई, एक मिनट। ओह यस, अब क्रोवर मैंने रखा हुआ हाथ में, और सॉरी भाई, मर जाओ। पर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मारने में, लेकिन इससे एक बात अच्छी होती है कि रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। पर छोड़ो भाई, अभी रिसोर्सेज के पीछे नहीं रहना है, अभी मुझे भागना है। ओह बहुत अच्छी किस्मत है भाई, अभी तक मेरे को कोई रनर नहीं मिला है, वरना तो खैर नहीं रहती मेरी। आसपास मेरे को देखना पड़ेगा कि स्टोर कहाँ पर है, कोई स्टोर हो जिसमें से मुझे खाना वाना वगैरह मिल सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़ॉम्बीज तो दिख नहीं रहे हैं। ओके, तो एक बार स्टोर्स का पता लगाया जा सकता है आसपास, स्टोर कहाँ पर है। तो यहाँ आसपास कहीं स्टोर नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक स्टोर दिख रहा है मुझे। तो मैं हूँ अभी बहुत पास में बीच के, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि रात होने वाली है, रात हो रही है, शाम हो रही है, भागना पड़ेगा यहाँ से। अरे मैं नहीं चाहता कि भाई, मेरे पास सिर्फ क्रोबार है, मैं वो रात में सोने के लिए मैं सो तो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ज़ॉम्बीज़ को मारना पड़ेगा। आसपास कोई भी ज़ॉम्बी नहीं होने चाहिए, और उसके लिए मेरे पास व्हीकल, मेरे पास कोई गन वन होनी चाहिए जिससे कि मैं आराम से उन्हें मार सकूँ। अदरवाइज़ एक अच्छी व्हीकल होनी चाहिए, और इसमें से भी धुआँ निकल रहा है। ओह बीच, आखिर कार सामने बीच में जो दिख गया, यही मुझे चाहिए था। पर रात हो रही है तो दिक्कत की बात है, अभी थोड़ा सा रुक लेते हैं, अचानक कोई रनर आए तो हम उसके लिए तैयार रहें कम से कम। बिल्कुल हम तैयार हैं, और बीच सामने आ चुका है, ये बहुत अच्छी बात है।
हम यहाँ रुक सकते हैं, पर ऐसे ही स्टेयर्स खतरनाक होते हैं, इसमें से ज़ॉम्बी आराम से चढ़ के जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर कोई जगह है जहाँ पर मुझे एटीवी भी मिल जाएगी, शायद वो सामने वाला है, वहाँ पर एटीवी मिलती है, वो बीच वाली व्हीकल। ओ भाई, यहाँ तो और भी ज़ॉम्बी हैं, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा स्टेमिना बनाने के लिए। ठीक है, भागना पड़ेगा यहाँ से। ओके, सूरज डूब रहा है और यहाँ चलते हैं अब। यहाँ मुझे काम की चीज़ मिलनी चाहिए। ओ भाई, यहाँ एटीवी तो नहीं है, लेकिन एक बार सर्च किया जा सकता है इस जगह को। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। पर मेरे को मालूम है कि इस जगह पे कहीं पर आपको मिलेंगे हथियार, इसी के नीचे में कहीं पर है हथियार ना। और यहाँ एटीवी हुआ करती थी, अभी यहाँ एटीवी दिख नहीं रही है, पर यहाँ एक हेल्थ किट है। यस, एक चीज़ तो काम की आई, यहाँ एक हेल्थ किट है जिससे मैं थोड़ा सा अपना हेल्थ रिकवर कर सकता हूँ। और यहाँ से भागना पड़ेगा, काफ़ी सारे ज़ॉम्बी हैं यहाँ पर, और इकट्ठा भी होना चालू हो गए हैं। भागना पड़ेगा भाई यहाँ से। ओ माय गॉड, यहाँ एक जगह व्हीकल, एक जगह तो गन होनी चाहिए भाई मेरे पास। यहाँ भी गाड़ी है लेकिन कोई काम की नहीं है, और यहाँ अंदर घुसना बहुत रिस्की है। मैं क्यों यहाँ अंदर आ रहा हूँ पता नहीं, ऊपर से रात भी हो रही है, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए यहाँ पर। गन मिल जाए भाई, प्लीज़ प्लीज़ गन मिल जाओ। ओ वाओ, ओ माय गॉड, इसी के लिए मैं यहाँ आया था, जस्ट राइट ऑन टाइम मेरे पास गन आ चुकी है। हालांकि इसमें केवल 30 ही बुलेट है, मुझे और बुलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है एक लाइफ सेवर, जिससे भाई मेरा काम हो जाएगा। तो एक काम करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ ऊपर चढ़ जाता हूँ मैं। बहुत सही, अब मैं तैयार हूँ थोड़ा सा। अब मैं कोई एक अच्छी जगह ढूंढता हूँ। ओ, पार्किंग लॉट, क्या बात है? है? ये आदमी जिंदा है? भाई तुम जिंदा कैसे हो? क्या हो गया भाई? देख भाई आसपास देख, तेरे से बात करने का बात टाइम नहीं मेरे पास। एक मिनट, ये गाड़ियाँ काम की लग रही है मुझे, इसमें से धुआं भी निकल रहा है। ओ माय गॉड, क्या बात है, ये गाड़ियाँ काम की है गाइस, ये गाड़ियाँ काम की है। यस, आखिरकार ये बीच के पास ही है जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ मुझे ठीक कंडीशन में मिल जाएंगी। ओ माय गॉड, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आराम से जा सकता हूँ यहाँ से, और एक जगह कैंपिंग कर सकता हूँ जहाँ मैं अपना नाइट हॉल्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं देखूँगा कि मेरे को अगर कहीं अच्छा बेस बनाने के लिए मिल जाए तो मैं वहाँ बेस बना के भी रुक सकता हूँ। तो एक काम करते हैं कि कोई अच्छी जगह जाए, यहाँ पर नहीं, कहीं सीढ़ियाँ हों जिससे ऊपर हम चढ़ सकें, और काफ़ी ऊंची जगह पर हो जहाँ अपना बेस बना सकें हम। अभी बेस नहीं बनाना एक्चुअली, मैं मुझे अभी नाइट हॉल्ट करना है, तो मैं अभी ऐसे बिल्डिंग के तलाश में हूँ जहाँ मेरा काम हो जाए। अभी इसमें ये भी देखना पड़ेगा फ्यूल कितना है। कम ऑन यार, कोई अच्छी बिल्डिंग मिल जाए मुझे। इस साइड जाके देखता हूँ मैं, रात होने पे बहुत दिक्कत होगी। तो ओके, इस लोकेशन में मुझे नहीं दिख रहा है, कोई अच्छी तो बिल्डिंग होनी चाहिए। ना 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 ना, क्या ये अच्छी बिल्डिंग है? कहीं तो रात गुजरने, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं रात में, ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ना रात को मैं कोई अच्छी जगह रुक जाऊँ। तो बिल्डिंग्स तो मुझे ढूंढनी ही होगी रात होने के पहले, अभी तक शाम हो गई है, रात बस होने ही वाली है। और भाई साहब, कोई तो अच्छी बिल्डिंग दिख जाए। Sorry about that. ये देखना पड़ेगा मुझे,
जगह है क्या? अच्छी कहीं से, कहाँ से हम ऊपर चढ़ सकते हैं? सीढ़ियाँ हों जो ऊपर तक जाती हो। ये सीढ़ी ऊपर तक जाती है लेकिन स्टेयर्स का पता नहीं चल रहा मुझे। भाई कम ऑन, थर्स्ट मीटर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है मेरा। मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मैं नाइट के पीछे नहीं पड़ता, मेरे को सबसे पहले ये लोकेशन ढूंढनी होगी, ये वाला स्टोर जो है यहाँ जाना पड़ेगा। हालांकि मैं एक रिस्क ले रहा हूँ लेकिन अभी मेरे पास कार है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि तो भाई मुझे खाना चाहिए, मस्ट है खाना, उसके बाद हम देखेंगे। ओ वाओ हिट, लेकिन इससे कुछ नहीं होता इनको, हॉट हीट हीट ज़ॉम्बी है, कुछ नहीं होता इनको। वाओ आराम से यहाँ से हमको गुजरना है और साइड में स्टोर, ओके। अब आगे से लेफ्ट है, बस राइट है एक्चुअली में, बस उसके बाद हमारा स्टोर आ जाएगा। ये साइड में है, हम खाने पीने के पहले सामान रख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि छुपने की कोई जगह अच्छी जहां हम नाइट हॉल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं है, ये भी ये मस्त गाड़ी लग रही है, क्या चलती है? धीरे से चलना पड़ेगा मुझे। यू आर डिहाइड्रेटेड, आई नो आई एम डिहाइड्रेटेड। जल्दी से पहले एक काम करते हैं, स्टोर में जाते हैं, जल्दी जल्दी रख लेते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई मैं ज़्यादा आवाज़ करूँ, इन्वेंट में जाना पड़ेगा इन्वेंट्री में, और मेरे पास ड्रिंक्स हैं कि नहीं ये देखना पड़ेगा। कम ऑन सप्रेसर, टेंट, वॉल, वर्क बेंच, वेपन क्रेट, बैंडेज क्लीन, वाटर नहीं है मेरे पास अभी। भाई मैंने ये नहीं चाहता था, मैं ज़्यादा आवाज़ नहीं करना चाहता इसलिए मैं गन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उसको ये नहीं चाहता था मैं। भाई ये मर क्यों नहीं रहा है? भाई साहब मर जा, मर गया, ठीक है भाई। मेरे पास पानी होना चाहिए, डिहाइड्रेट हो चुका हूँ मैं। इन्वेंट्री, क्लीन वाटर नहीं है मेरे पास में। भाई स्टोर में आने का मतलब क्या हुआ? 10 मीटर बहुत डाउन हो चुका है मेरा, क्या यहाँ से ले सकता है? ओ एटीएम, तो यहाँ एटीएम भी है, वाह। और पैसों की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये देखना पड़ेगा कि मुझे पानी मिल जाए। ओके ठीक है, अब देखें, क्लीन वाटर नहीं है मेरे पास, फूड है, फूड से हो सकता है कि मुझे कुछ मिल जाए। ठीक, थोड़ा सा थर्स्ट ठीक हुआ, थोड़ा सा ठीक हुआ थर्स्ट, और हंगर भी काफ़ी हद तक हो चुका है ठीक। तो ऑल राइट, मैं अभी ठीक हूँ, अभी इन्वेंट्री में वापस आके देखते हैं, पैकेज फूड थोड़ा और खा लेते हैं। हंगर सस्टेन, थर्स्ट सस्टेन, ठीक है बढ़िया। तो अब हम स्टोर से बाहर निकल सकते हैं, थर्स्ट काफ़ी हद तक हो चुका है ठीक, और अभी ये स्टोर से अब ज़्यादा नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ ले ली है। अब यहाँ से निकला जा सकता है आराम से, इसको लूट करके देखते हैं क्या मिलता है इसके पास से। 5 रिसोर्सेस मिले हैं, मेरी गाड़ी काफ़ी डैमेज हो गई है, ऊपर एक रास्ता है तो भागते हैं ऊपर, और उसके बाद यहाँ टेंट लगाने की कोशिश करेंगे। बढ़िया, ऊपर मेरे ख्याल से ज़ॉम्बी आते नहीं हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर अपना टेंट वगैरह लगा सकता हूँ और रात को स्किप करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मैं टेंट लगाने के लिए सबसे पहले इन्वेंट्री खोलता हूँ, इन्वेंट्री में मेरे पास है
सबसे पहले मुझे लगाना पड़ेगा कैंप फायर। कैंप फायर को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। उसके बाद मुझे लगाना पड़ेगा टेंट, तो ये रहा टेंट। अब टेंट को हम सोचते हैं यहाँ कहीं लगा देते हैं। ठीक, टेंट भी लग गया। अब एक काम करते हैं, हम सो जाते हैं। ओ भाई साहब, क्या हो रहा है? देयर आर एनिमीज नियर बाय, बहुत सारे एनिमीज, 1 2 3 4 बहुत लोग को मारना पड़ेगा तब जाके मेरा काम होगा। बहुत सारे एनिमीज हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ नहीं सो सकते गाइस। इतने सारे लोग को मुझे मारना पड़ेगा तब जाके मेरा काम हो पाएगा। हमको कोई गली वली ढूंढनी पड़ेगी जहाँ आराम से सो सके। अभी तो हम नहीं सो सकते, तो ओ भाई साहब, अरे यार ये क्या हो रहा है?